नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आप सबको, पूरे देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ। आप सभी स्वस्थ रहें। कहते हैं करें योग रहे निरोग, और ये फिलोसफी हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। ये कहीं पे आप लिख के रख लो, ये मतलब एक थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट कर लो कि करे योग रहे निरोग। तो सचमुच में योग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके नुकसान एक भी नहीं है, बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो वंस अगेन आप सबको योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों से, आपके सेहत से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करती आई हूँ, और हमेशा मेरे कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस में निकल आते हैं कि कैसे आपको किसी प्रॉब्लम के लिए कौन सी मुद्रा करना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, कैसे आपको मतलब वॉक करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और ये सब आपके लिए कैसे और किस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो ये मैं हमेशा आप लोगों को बताती आई हूँ। आप सबको भी पता है कि योग मतलब एक ऐसा माध्यम है जो हमें हॉस्पिटल से, दवाइयों से दूर रखता है। अगर आप अपने जीवन में मतलब अपने नित्य प्रति अगर जो आपके रूटीन है उसमें अगर आप योग भी उतार लेते हो तो कई ऐसी बीमारियों से आप दूर हो जाते हो, और मतलब आपका शरीर निरोग रहता है। तो जानते हैं योग हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और योग हमें कब और कैसे करना चाहिए। योग हमारे लिए फ़ायदेमंद ही फ़ायदेमंद है, लाभकारी ही है, मतलब हानिकारक तो कहीं से है ही नहीं। तो योग को तो योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, तो इसको तो हमेशा आप अपने जीवन में लेकर आइए ही। मान लो कि आपको कोई अगर कई ऐसी बड़ी बीमारियां जो हैं उससे मतलब योग करने से दूर रहती है, दूर हो जाती है। कई बार क्या होता है कि लोग आलस कर जाते हैं मॉर्निंग में उठने के लिए, या ये सोचते हैं क्या अपने आप को आधा घंटा या एक घंटा देना है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि यही एक घंटा या हाफ एन आवर, आधा घंटा आपके लिए कितना लाभकारी होगा, कितना विशेष लाभ देगा आपके स्वास्थ्य को। और मतलब ये नहीं समझते हैं, और उल्टा क्या हो जाता है कि आप दवाइयों की ओर चले जाते हो, कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत आप हॉस्पिटल्स भागते हो। तो ये तो मतलब एक प्रॉब्लम अगर कोई ऐसी आ गई तो इसके पे हमारा कोई रोक या कोई हमारा वश नहीं होता है, अगर ऐसी कोई बड़ी बीमारियां हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हमारे वश में वो तो है जो हम अपने दिनचर्या में अपनाए, नियमित हम योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ये तो हम कर सकते हैं, ये तो अपने जीवन में हम अपना सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हर मॉर्निंग में उठा करिए, जितना जल्दी, जितना ज़्यादा अगर आप मॉर्निंग में उठते हो उतना ज़्यादा आपका मन शांत रहता है, उतना आप मतलब एक स्वच्छ ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हो, और जब स्वच्छ ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हो तो ऑटोमेटिक है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और उस टाइम में जब आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब आप अगर योग के लिए तैयार होते हैं, आप सोचते हैं अपने जीवन में आप योग को लेकर आओगे, अब नियमित आपको योग करना है, तो उसके लिए आप मॉर्निंग में उठा करो, सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम का जो ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है, जिस टाइम में मैं हमेशा उठती हूँ, और हमेशा मेरा कई मेरी जब मुझे टाइम मिलता तो कई ऐसे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो, मेडिटेशन का मेरा वीडियो कई आ चुका है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो उस टाइम में आप देखोगे कि इतना स्वच्छ वातावरण होता है, शांत वातावरण होता है, और उस टाइम में आप अनुभव करोगे कि आप ईश्वर से कनेक्टेड हो रहे हो, आप ईश्वर से बात कर रहे हो, क्योंकि इतना पीस होता है उस टाइम में। और उस टाइम में एक बहुत प्यारी सी हवा चल रही होती है, एक प्यारी सी शांति होती है, जिस शांति के हम खोज में रहते हैं, वो उसके लिए आपको मतलब कहीं दूर नहीं
जाना है, बस मॉर्निंग के टाइम में जब आपके दिन की शुरुआत होती है, जब आप सुबह उठते हो, तो सुबह आपको बस करना क्या है कि आपको थोड़ा टाइम पहले उठना है। और जब आप थोड़े टाइम पहले उठते हो तो आप देखोगे कि जिस शांति के खोज में आप बेचैन रहते हो, वो आपको मॉर्निंग के टाइम में आपके ही पास, आपके ही घर में, आपके ही इर्द गिर्द है। तो वो मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आप देखोगे सचमुच में ब्रह्म मुहूर्त की बेला अद्भुत बेला होती है। उस बेला में सच में भगवान वास करते हैं। और उस मुहूर्त में जब आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, तो सीधा भगवान से संपर्क करते हो, भगवान से बातें करते हो, भगवान से कनेक्ट होते हो। तो सोचो जब अगर आप इस टाइम में करते हो तो इस टाइम का योग, इस टाइम का प्राणायाम और इस टाइम का मेडिटेशन आपके स्वास्थ्य पर कितना ज़्यादा असर करेगा, कितना ज़्यादा लाभ देगा और कितना ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे। तो कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में टाइम निकालो। ये हर कोई निकाल सकता है, क्योंकि ये तो हम अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं कि अरे उठा नहीं जाता, रात को देर से सोए, बहुत काम था, बहुत थके हुए थे, ये सब बहाने हैं। मेरा बिल्कुल मानना है कि ये सब बहाने हैं। आप सब मॉर्निंग में उठ सकते हो। और मॉर्निंग में जैसे आप उठना शुरू करोगे ना, आपने एक दिन मतलब कोशिश किया, दो दिन, तीन दिन, लेकिन जब आपकी यही प्रक्रिया अगर हफ्ते दिन मतलब कि रही, तो आप देखोगे कि मतलब सातवें आठवें दिन तो आप अपने आप उठ जाओगे, ना चाहते हुए भी आप उठोगे, क्योंकि ये हैबिट बन जाएगी, ये आदत बन जाएगी। और ये आदत इतनी खूबसूरत आदत है कि इसको आप छोड़ना ही नहीं चाहोगे। तो कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में उठो और योग करो, क्योंकि मॉर्निंग का योग बहुत ज़्यादा लाभ देता है आपके स्वास्थ्य के लिए। आप स्वस्थ रहते हो, आप निरोग रहते हो और आप शांत रहते हो। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताती आती हूँ कि मानसिक प्रॉब्लम के लिए, तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है, प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है, या मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानसिक रोग को बहुत हद तक ख़त्म कर देती है, बहुत हद तक। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत ऐसी साइकोटिक प्रॉब्लम है जिसमें कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, आपको वॉक करना ज़रूरी है, आपको प्राणायाम करना ज़रूरी है, आपको कुछ ऐसी मुद्राएं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये नियमित तौर पे करते हो तो ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है आपके लिए। मतलब वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि आप देखोगे कई बार जड़ से ख़त्म कर देते हैं बहुत सारे ऐसे साइकोटिक प्रॉब्लम। तो कोशिश करिए कि आपके अपनी मानसिक स्थिति सकारात्मक बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए, और जो निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में क्रिएट होता रहता है, तो निगेटिव दिमाग निगेटिव जो थॉट्स है उसको हटा के पॉजिटिव जितनी भी बातें हैं आपके दिमाग में भरने के लिए आप प्राणायाम, आप मेडिटेशन कर सकते हो। अपने अगर आप अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहे हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी मानसिक साइकोटिक प्रॉब्लम अगर आपको है, तो आप अपने ज़िंदगी में मेडिटेशन को ला सकते हो। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जीवन को सीधा मतलब एक ड्रास्टिक चेंज करती है। एक चेंज मतलब चेंज इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपने आप को समझने लग जाते हो, आप ज़िंदगी को समझने लग जाते हो, आप रियलिटी को समझने लग जाते हो। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप रियलिटी को समझने लग जाते हो। तो जब आप रियलिटी को ही समझ गए तो और कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करो। सॉरी, तो मेडिटेशन, प्राणायाम, योग आपको इतना पता चल गया कि किस टाइम में आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर टाइम कुछ ऐसे मतलब प्राणायाम है, कुछ ऐसे बेसिक योग हैं जब आपको टाइम नहीं मिलता है। कई लोग ऑफिस में होते हैं, पूरा टाइम चेयर पे बैठे रहते हैं या कंप्यूटर के सामने में काम करते रहते हैं, तो उसके लिए भी कई ऐसे योग हैं जो आप बैठे बैठे चेयर पे भी आप बैठ के कर सकते हो। जो कुछ आईज के हैं, जैसे आप कंप्यूटर में कंटिन्यूसली आप देखते रहते हो, वर्क करते रहते हो, तो कुछ ऐसे मूवमेंट जो योग में आते हैं वो आईज के हैं, फेस के हैं, हैंड के हैं, लेग के हैं, मतलब स्टमक के हैं। तो ये सारे जो एक्सरसाइज है वो सम टाइम आप बैठ के भी कर सकते हो, चाहे वो आप वो चेयर पे बैठे हो, चाहे आप सोफा पे बैठे हो, चाहे आप बेड पे बैठे हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ये भी आपको लाभ देगा ही आपके सेहत को।
अब आप इवनिंग में, तो इवनिंग के टाइम में भी जब आपको मालूम कि अक्सर मॉर्निंग में नहीं मिल रहा है टाइम, आपको आफ्टरनून में नहीं मिल रहा है टाइम, अब इवनिंग में मिला, तो इवनिंग में भी आपको करना क्या है कि कम, जब भी आप योग या प्राणायाम कुछ करने के लिए आप आते हो तो कोशिश करो कि एक घंटे पहले आपका पेट बिल्कुल खाली रहे, आप कुछ मत खाओ। एक घंटे के बाद आप मतलब बिल्कुल आपका पेट खाली है, और तो क्योंकि पेट खाली होने से क्या होता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन कर पाते हो जब मेडिटेशन करते हो या प्राणायाम करते हो, और वो टाइम ज़्यादा इफेक्ट डालता है कोई भी प्राणायाम अगर आप कर रहे हो या कोई भी आप योग कर रहे हो। मतलब कुछ खा पी के आप करोगे तो कई बार क्या होता है कि नसें डिसबैलेंस हो जाती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि आप ना तो झुक सकते हो ना तो आप मतलब कोई भी ऐसे मूवमेंट्स आप नहीं कर सकते हो जब आपका पेट भरा हुआ होता है। तो खाली पेट आप कोशिश करो कि खाली पेट आप रहो, जो एक घंटे पहले आप खा चुके हो उसके बाद में आप कोई भी योग आप कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। तो इवनिंग टाइम में भी आप आराम से कर सकते हो। अब आप मान लो कि कई बार क्या होता है लोगों के पास में स्पेस नहीं होता, तो आप अपने ड्राइंग रूम में या अपने रूम में आप आराम से कर सकते हो। अब जिसके पास में स्पेस नहीं है तो वातावरण को स्वच्छ करने के लिए जो ज़्यादा आपको इफेक्ट डाले जब आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हो, उस टाइम में आप कोशिश करिए कि गाय के घी का मतलब आप एक दिया जला लीजिए अपने पास में, अगर आप प्राणायाम करने के लिए आ रहे हो। उससे क्या होगा कि वातावरण शुद्ध हो जाता है, और जब आप कोई भी ऐसा योग करते हो प्राणायाम करते हो तो उसके इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो एक आप घी का दिया, गाय के अगर घी का दिया जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप सरसों तेल का दिया आप जला सकते हो, आप घी का दिया जला सकते हो, तो ये कर जला के आप कर लो। और प्राणायाम अगर आप जिसके पास में स्पेस है तो उनके इर्द गिर्द मैं कहूँ कि तुलसी का पौधा होना चाहिए, चाहे तुलसी का पौधा है या करी पत्ता का पौधा है या नीम का पौधा है, तो वो आपके जब इर्द गिर्द रहता है तो वो जो मतलब आप जो ऑक्सीजन लेते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और उस टाइम में भी मॉर्निंग के टाइम में कि पौधे तो आपके पास में है ही, फिर भी आप कोशिश करिए कि प्राणायाम करने के टाइम में एक घी का दिया आपके पास में जल रहा हो, तो ये ज़्यादा लाभकारी होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो प्राणायाम। अब प्राणायाम से करने से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो दूर रहती है, सबसे पहले तो मैं बोलूं कि ऐसी कौन सी बीमारी जो दूर नहीं रहती है, सारी बीमारियां हमसे दूर रहती है अगर प्राणायाम तरीके से किया जाए, सही तरीके से। आप अगर कई बार क्या होता है लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं और फॉलो करने लग जाते हैं, तो सम टाइम आपको मूवमेंट्स का पता नहीं कि आपको ब्रीदिंग कैसे इन आउट करनी है, आपको मूवमेंट कैसा करना है, आपको पोस्चर कैसे बनाने हैं, आपका बॉडी